डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सेवन स्लाइड्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने बेसिक्स ऑफ एनिमल किंगडम का पार्ट 9, जो कि हमारा आखिरी पार्ट है इस पूरी सीरीज का। इसके बाद हम लेक्चर 2 शुरू करेंगे। तो लेक्चर 1 में हमने टोटल 8 पार्ट इससे पहले पढ़े हैं, जिसमें हमारे बेसिक्स चीजें जो जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं एनिमल किंगडम के, उसको हमने डिस्कस किया। 9th पार्ट बनाना इसलिए जरूरी था कि आपको ये बात पता चल सके कि पूरा एनिमल किंगडम हमारा कितने फाइलम में डिवाइडेड है और कितने कौन कौन से ग्रुप्स वो हैं, उन ग्रुप के क्या क्या जनरल कैरेक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे पूरे एनिमल किंगडम को डिवाइड किया गया है। ये अपने आप में एक बहुत ही वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक है जूलॉजी का, लेकिन इस स्लाइड में मैंने कोशिश की है इस चार्ट को बहुत ईजी बनाने का। तो आप क्या करेंगे ड्यूरिंग द लेक्चर, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए और इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने जहां भी आप पढ़ते हो वहां लगा लीजिए, तो उसको आपको याद रखने में बड़ी आसानी होगी। तो चलिए अगली स्लाइड में शुरू करते हैं हम क्लासिफिकेशन चार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है चाहे आप नीट दे रहे हो या आप 11 12 का कोई एग्जाम दे रहे हो। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो आपके एनिमल्स हैं, जो आपका किंगडम एनिमिलिया है, उसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। और जब भी ग्रुपिंग होती है, जब भी क्लासिफिकेशन होता है स्टूडेंट्स, वो किसी ना किसी बेसिस पे होता है। मान लीजिए मेरे पास चार शेप हैं, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर। तो अगर मैं इनको शेप के बेसिस पे डिवाइड करना चाहूं तो ये चार तरह की हैं, ये सब शेप्स हैं, लेकिन ये सारी क्या है, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा शेप के बेसिस पे, तो शेप के बेसिस पे चार इसकी क्लास बनेगी। एक ट्रायंगुलर बनेगी, एक सर्कुलर बनेगी, एक स्क्वायर बनेगी, एक रेक्टेंगुलर बनेगी। तो जब भी आप कोई भी क्लासिफिकेशन करते हैं उसका कोई ना कोई बेस होता है। तो एनिमल किंगडम का जो सबसे पहला डिवीजन हुआ वो हुआ आपका सेल के बेसिस पे। सेल के बेसिस पे अगर आपका ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है तो वो सारे आपके प्रोटोजोआ के अंदर रख दिए गए, और अगर वो मल्टीसेलुलर है वो सारे आपके मेटाजोन्स कहलाएंगे, मेटाजोआ। तो ये पहले दो बड़े ग्रुप्स एनिमिलिया के बाद बने। इसके बाद मेटाजोआ भी दो में डिवाइड हुआ, एक आपका पैराजोआ और एक आपका यू मेटाजोआ। और अब डिवीजन का बेस क्या है आपका, टिश्यूज प्रेजेंट और टिश्यूज एब्सेंट, टिश्यूज एब्सेंट, टिश्यूज प्रेजेंट। तो अब जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, या तो उनमें टिश्यू होगा या उनमें टिश्यू नहीं होगा, इसके बेस पे इनको डिवाइड किया गया दो बड़े ग्रुप्स में, एक पैराजोआ, एक आपका यू मेटाजोआ। और पैराजोआ का एग्जांपल है आपके पोरीफेरा, जिनके अंदर सेल एग्रीगेट प्लान अभी हम पढ़ के आए, उनके अंदर टिश्यूज एब्सेंट है। अब ये जो यू मेटाजोआ है, इसको फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द सिमेट्री। यदि इफ जो सिमेट्री है वो रेडियल है तो उसको रेडिएटा बोला गया, और अगर सिमेट्री बायलेटरल है तो उसको बायलेटरलिया बोला गया। और उसका कॉमन एग्जांपल रेडिएटा का है आपका सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। अगर अब ये बायलेटरल हुआ तो बायलेटरल को फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ ब्लास्टोपोर। अगर ब्लास्टोपोर आपका पहले माउथ बना रहा है तो उसको प्रोटोस्टोमिया बोला गया, और अगर आपका ब्लास्टोपोर पहले एनस बना रहा है तो उसको ड्यूट्रोस्टोमिया बोला गया। तो ये दो ग्रुप कहां से जनरेट हुए आपके, बायलेटरलिया से, जहां पे आपकी बायलेटरल सिमेट्री मिली। अब ये प्रोटोस्टोमिया सीलोम के बेसिस पे तीन ग्रुप्स में डिवाइड हुए आपका, ए सीलोमेटा, स्यूडोसीलोमेटा और यू सीलोमेटा। ए सीलोमेटा का कॉमन एग्जांपल आपने प्लेटी हेलमेंट्स पढ़े हैं, स्यूडोसीलोम में आपके एसके हेलमेंट्स आ गए, और यू सीलोमेटा में दो तरह की चीजें आपने पढ़ी हैं। तो जो साइजोसीलोम है आपके, वो सारे आपके किस में आएंगे, वो इस वाली कैटेगरी में आ जाएंगे, प्रोटोस्टोमिया। तो प्रोटोस्टोमिया साइजोसीलोम में तीन आपके हैं, एनिलेटा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। और आपके ड्यूट्रोस्टोमिया में जो सीलोमेट है वो आपके एंटीरोसीलोम। कॉमन एग्जाम्पल है उसके जो फाइलम है वो है उसकी काइनोड्रोमेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो ये पूरा एनिमल चार्ट है आपका, पूरे एनिमल किंगडम को डिफरेंट बेसिस पे डिवाइड किया गया है, डिफरेंट जनरल कैरेक्टर्स पे डिवाइड किया गया है, और वो सारे जनरल कैरेक्टर यहां लिखे हैं, और कौन सी जो बड़ा सब ग्रुप है उसका कौन सा फाइलम हो सकता है उसको भी यहां पे हमने मेंशन किया है। तो अब जो शुरू होगा, अब हम वन बाय वन करके शुरू करेंगे, यहां प्रोटोजोआ से शुरू करेंगे। पहले प्रोटोजोआ आएगा, फिर पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, आपका प्लेटी हेलमेंथीस, एसके हेलमेंथीस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा।
ये सारी चीजें अब हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अब हमारा जो शुरू होगा वो लेक्चर 2 शुरू होगा। तो आगे बढ़ने से पहले इसका आपको याद होना बहुत जरूरी है, इस चार्ट का आपको ये पता होना जरूरी है कि कौन सा ग्रुप किस चीज पे डिवाइड हुआ है, कौन से ग्रुप का क्या बेसिस रहा होगा डिवीजन के वक्त। तो पूरे एनिमल किंगडम को डिफरेंट बेसिस पे डिवाइड किया है। सबसे पहली शुरुआत यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर से हुई है और फिर वो आखिर में आके सीलोम पे आके खत्म हो गया। तो स्टूडेंट्स अब हम शुरू करेंगे अपना लेक्चर 2 जो कि हमारा होगा प्रोटोजोआ और उसके बाद होगा पोरीफेरा। प्रोटोजोआ बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से एक दो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक उसमें चीज आती है ऑस्मोरेगुलेशन और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, उसको मैं बहुत डीप में उसको डिस्कस करने जा रहा हूं। तो अगले लेक्चर को जरूर ध्यान से देखिएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।